सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है अपना चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। शिक्षक साथियों, जैसा कि अभी आप सभी जान रहे होंगे कि पूरे विद्यालय के U-Plus में पोर्टल जो बनाया गया है उसमें विद्यालय के सही सही आंकड़े आपको अपलोड करना है। U-Plus के माध्यम से विद्यालय के सभी अभिलेख को संधारित करना है, वो भी U-Plus के पोर्टल पर। पिछले साल तक ये ऑफलाइन होता था लेकिन इस वर्ष ऑनलाइन कर दिया गया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको इसमें कुछ परेशानियाँ आ रही होगी, क्योंकि इस पोर्टल को खोलने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। जो सबसे पहला आवश्यकता है U-कोड और दूसरा आपका पासवर्ड। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे शिक्षकों के पास ये समस्या आ गई है कि पासवर्ड कहाँ से लाएँ, क्योंकि पिछले साल आपको BRC कार्यालय या जिला कार्यालय के द्वारा पासवर्ड उपलब्ध करवाया गया था, लेकिन बहुत सारे शिक्षकों के साथ ये समस्या आ रही है कि इतने सारे पासवर्ड हो गए हैं कि शिक्षकों को याद करना भी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में वो पुनः एक बार BRC का चक्कर काट रहे हैं या फिर जिला का चक्कर काट रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के मात्र 2 से 3 मिनट के वीडियो के माध्यम से बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप आसानी से आप अपने मोबाइल से ही तुरंत पासवर्ड उपलब्ध कर पा जाएंगे। खोए हुए पासवर्ड आपको पलक झपकते आपके मोबाइल में आएगा। तो इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया हूँ, जो ये लिंक है। तो इस लिंक को कुछ देर तक आप अगर टच करके रहेंगे तो आपका ये कॉपी हो जाता है। इसे मतलब कहने का अर्थ है कि इसे कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आइए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल का डाटा ऑन कीजिए और आपके मोबाइल में जो गूगल है आपको उसमें आना है। गूगल को खोलिए और देखिए पलक झपकते किस प्रकार से आपके मोबाइल में आपका पासवर्ड आ जाता है। ये देखिए, आज सभी के मोबाइल में गूगल होता है। आप यहाँ पर इसे टच करें और इसमें आपने जो लिंक जो मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें। हमने देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे पेस्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ जैसे ही गूगल में पेस्ट करेंगे तो अब इसे सर्च करना है। पेस्ट करने के बाद इसे सर्च करिए। सर्च करने के बाद यहाँ देखिए इस कॉलम में आपको U-कोड भरना है, क्योंकि आपने पासवर्ड अपने दिमाग से किसी प्रकार से भूल गए हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पे U-कोड डालिए और यहाँ पे फॉरगेट पे टच कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी डैशकोड डालता हूँ और यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर अपने विद्यालय का U-कोड डाल रखा है। अब इसके बाद आपको ये पासवर्ड, चूँकि आपने भूल गए हैं इसलिए इसे नहीं डालना है, यहाँ पे कैप्चा भी इंटर नहीं करना है। आपको यहाँ नीचे में फॉरगेट पासवर्ड दिख रहा है, आपको यहाँ सीधे क्लिक करना है। अर्थात सिर्फ आपको यहाँ पे U-मात्र भरना है, उसके बाद आपको अभी कुछ नहीं करना है। ये U-कोड सिर्फ डालिए और ये फॉरगेट पे क्लिक कीजिए। तो आइए फॉरगेट पे क्लिक करते हैं। फॉरगेट पे क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ ऐसा ऑप्शन आता है जैसे इंटर योर यूज़र आईडी, तो यहाँ U-कोड डाल दें। उसके बाद इंटर योर मोबाइल नंबर, तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपके विद्यालय का, उस वो मोबाइल नंबर को यहाँ डालें। और उसके बाद ये कैप्चा जो है जैसे 6019F2 जैसे भी लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है, अर्थात ये वाला यहाँ पे इंक्लूड कर देना है। और इसके बाद आप क्या करें, सबमिट पे क्लिक करें। इसे जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तुरंत आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आपका पासवर्ड चला जाएगा। मतलब मात्र बहुत ही आसान तरीका है। आप जैसे ही यहाँ फिल करेंगे U-कोड और यहाँ अपना मोबाइल नंबर, ये कैप्चा यहाँ डालेंगे यहाँ पे, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, तुरंत ही आपको मोबाइल नंबर पे आपका पासवर्ड मिल जाएगा। इस तरीके से आपका मोबाइल पे तुरंत ऐसा मैसेज जाएगा और ये तुम आपका जो है वो पासवर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीका है जो आप अपना मोबाइल में पासवर्ड बना सकते हैं। लगभग 10 से 15 पन्नों का आपका U-Plus का आंकड़ा है, आपके पूरे विद्यालय का डिटेल है, जिसे भरने का बहुत ही एक एक सरल तरीका हमने एक एक कॉलम को बता दिया है।
इस चैनल पे अपलोड है वीडियो, आप उसे देख लें तो आपको भरने में बहुत ही आसानी होगी, कहीं भी डाउट्स आपको नहीं रहेंगे। सारे डाउट्स को हमने क्लियर कर दिया है, किस कॉलम में कौन सा फिल होगा हमने बहुत ही आसान तरीका से समझाने का प्रयास किया है। आप उस वीडियो को देखें, निश्चित तौर पे आपको बहुत ही आसानी मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जिसके कारण आप तक वो वीडियो नहीं पहुंच पाया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वो वीडियो को आप देख लें और यूडास प्लस को बहुत ही आसान तरीका से भर लें अपने मोबाइल से। आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके कोई नए जो प्रॉब्लम होंगे उसे सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।